हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत एकेडमी एमसीक्यू सीरीज में। वेदांत एकेडमी द्वारा आगामी प्री परीक्षा के लिए निरंतर आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आया है। आप सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और ऐसे ही आप निरंतर बड़ी संख्या में जुड़ते जाएं और अपने नॉलेज को बूस्ट करते जाएं। आज हम बात करने वाले हैं भूकंप से संबंधित पार्ट टू की। इसके संबंध में हमने पहला एक पार्ट जो बन है उसको पहले उससे संबंधित 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब रिमेनिंग जो 10 एमसीक्यूज हैं जो इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारी प्री परीक्षा से संबंधित, तो उसके लिए भी आज हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे। तो हमारा भूकंप से संबंधित जो लगभग 20 एमसीक्यूज का एक जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो पार्ट टू से संबंधित हम बात कर लेते हैं। इसके पहले आपको बता दें, वेदांत एकेडमी ने अपना नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप सभी लोग उससे जुड़ें। इस टेलीग्राम चैनल की विशेषता ये है कि आपको वीडियो से संबंधित एमसीक्यूज जो निरंतर आपको बताए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कॉपी मिल जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट यूनिट वाइज आपको अलग अलग प्रकार के नोट्स यहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे, उनकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कॉपी मिल जाएगी। तो आप सभी लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, 17 दिसंबर की तारीख को ध्यान में रखते हुए वेदांत एकेडमी द्वारा कंप्लीट 10 यूनिट का रिकॉर्डेड क्लासरूम प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसको भी आप परचेस कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फीस रखी गई है। इस फीस के साथ आप लगभग 10 यूनिट को अगर परचेस करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको कोई ऐसे सच लॉस होने वाले हैं, तो आप परचेस कर सकते हो। बढ़िया आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, तो आपके लिए बेनिफिट ही होने वाला है, प्री परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बढ़ चलते हैं हमारे उन 10 क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे लिए पहले पार्ट में हमने अटेंड कर लिए हैं। अब 11 से देख लें या 1 से देख लें कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न कहता है, सर्कमफेरेंस बेल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सरकम का मतलब होता है परी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, परी कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, मैंने कई बार अपनी क्लासेस में उपयोग किया है, परी प्रशांत महासागरीय, परी प्रशांत परी प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है, या इसी को अपन कहते हैं पेटी, परी प्रशांत महासागरीय बेल्ट या पेटी, इसके संबंध में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। उस स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें यहां पर बताना है। तो देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी परिमंडल है। तो यदि आपने परी प्रशांत महासागरी पेटी को देखा है, पढ़ा है, तो आपको पता है कि ये विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे बनने वाली पेटी है, अर्थात यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं, यह एक सक्रिय भूकंपीय परिमंडल है, तो ये बात भी सही है क्योंकि विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी की क्रिया भी होती है। क्यों? क्योंकि जब भारी प्लेट, अधिक घनत्व वाली प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छिपित होती है, बैनी ऑफ जोन का निर्माण होता है, तो हम देखते हैं कि भूपरपटी पर कई प्रकार की टेक्टोनिक घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें से ज्वालामुखी और भूकंप प्राथमिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है, यह एक अपसारी प्लेट परिसीमा है। अपसारी का मतलब होता है जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत ओर जाती हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो सीमा है ये अपसारी प्लेट सीमा ना होकर अभिसारी प्लेट सीमा है, क्योंकि अपसारी प्लेट सीमा के कारण, या कहें अपसारी प्लेट सीमा रचनात्मक प्लेट किनारे से संबंधित होती है, वहीं अभिसारी प्लेट सीमा विनाशात्मक प्लेट किनारे के निर्माण में कारगर सिद्ध होती है या उसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर अपसारी प्लेट सीमा ये कथन सही नहीं है, क्योंकि
हमारी जो परी प्रशांत महासागरीय पेटी है यह एक अभिसारी, यानी यहाँ पर प्लेटों का क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रही है, तो यहाँ पर प्लेट क्या कर रही है, अभिसरण कर रही है, है ना। तो अभिसरण करने के कारण ही यहाँ पर प्लेटों का क्षेपण देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये जो प्लेट सीमा है बेटा अपसारी ना होकर अभिसारी है। तो इसका आंसर तीसरा जो सॉरी इसका अगर बात करें स्टेटमेंट तीसरा रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद चौथा अगर हम देखें, फोर क्या कह रहा है, यह सुनामी प्रवण है। सुनामी प्रवण का मतलब है इस क्षेत्र में सुनामी आती है। तो देखो बेटा अगर सागरीय भागों में, चूंकि ये प्लेट परिप्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र है, तो जब भी यहां पर भूकंप आते हैं तो सागरीय भागों में भूकंप का अगर केंद्र है तो सुनामी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थात जब भी सागरों में भूकंप आते हैं तो अधिक तीव्रता के भूकंप हम देखते हैं कि सुनामी का रूप ले लेते हैं। तो सुनामी प्रवण तो है ये क्षेत्र, मतलब ये कथन भी सही है। आपने देखा होगा वर्ष 2004 में अगर आप देखोगे, वर्ष 2011 में अगर आप देखोगे तो जापान में सुनामी आई थी। क्यों? क्योंकि जापान की इसी मेखला में हम देखते हैं कि टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर पूर्व की ओर इसका एपिसेंटर था, वहां पर जलीय भाग में पैसिफिक ओशन में भूकंप आया था और उसी भूकंप के कारण वर्ष 2011 की एक बृहद सुनामी हमें देखने को मिली थी। तो यहां पर सुनामी प्रवण कहना बिल्कुल सही होगा, अर्थात स्टेटमेंट फोर राइट होगा। तो यहां पर अब आपको बताना है कि भैया भूकंप से संबंधित या परी प्रशांत महासागरी बेल्ट से संबंधित कौन सा कथन गलत है या कौन सा यहाँ पर तीन कथन सही है। तो तीन कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे, पहला दूसरा और चौथा, जहां पर ऐसा ऑप्शन हो आप लगा दीजिए, क्योंकि इन्होंने राइट स्टेटमेंट पूछा है ना कि रॉन्ग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले का आंसर हो जाएगा बेटा सी। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न था, ऐसे प्रश्न करेंगे आप तो आपसे सिंपल प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा हाँ, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में कठिन क्वेश्चन तो सर अगर बात करें सॉल्व कर लेते हैं लेकिन सरल गलती कर देते हैं। दूसरा देख लेते हैं, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्या पूछा है, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है। पहला गुजरात का तटीय क्षेत्र है क्या इसके अंतर्गत, तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें सामान्य तौर पर भूकंप की घटनाएं देखने को तो मिलती हैं, तो क्या ये सुनामी क्षेत्र है इसको देख लेंगे। बी कहता है बर्मा या म्यांमार का तटीय क्षेत्र, इसके संबंध में भी देख लेंगे। सी कहता है बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, तो इसके बारे में आपके आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें तो गुजरात का तटीय क्षेत्र, यहां पर कच्छ वाले क्षेत्र में भूकंप तो आया था पर सुनामी जैसी घटना हमें देखने को नहीं मिलती है। म्यांमार का तटीय क्षेत्र अगर देखें तो यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर बर्मी प्लेट के भूकंप से संबंधित अगर बात करें, हमें सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया में तो भूकंप देखने को मिला था यानी सुनामी देखने को मिली थी, परंतु म्यांमार के तटीय क्षेत्र में ऐसी कोई सुनामी हमें देखने को मिली नहीं मिली, यानी ये सुनामी प्रवण क्षेत्र तो नहीं है। फिर बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र भी अगर हम एक्चुअल देखें तो ये उतना ज्यादा प्रभावित नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप की घटनाएं होती हैं। तो मैं इसमें बंगाल की खाड़ी ना करके हिंद महासागर और अंडमान के निचले वाला भाग, विशेष तौर पर बर्मी प्लेट और सुंडा गर्त के आसपास वाले इलाके को जरूर कहूंगा कि यहाँ पर एक बार सुनामी आई थी, लेकिन प्रवण कह देना या प्रभावित क्षेत्र कह देना लगातार आना बंगाल की खाड़ी के लिए सही नहीं है, और हिंद महासागर के निचले क्षेत्र में इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के शब्द बोलना ठीक रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, डी आना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गुजरात के क्षेत्र में भी इस तरीके की घटनाएं नहीं है, म्यांमार में भी इस तरीके की घटनाएं नहीं है, और बंगाल की खाड़ी में भी तटीय क्षेत्रों में इस तरीके की कोई घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि
निचले दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में तो इस तरीके की घटना एक बार देखने को मिली है वर्ष 2004 में, पर तटीय क्षेत्र प्रवण नहीं है, सुनामी की घटना देखने को नहीं मिली है, तो इसका आंसर डी आना चाहिए, ज्यादा सही है। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के नीचे रिक्टर स्केल पर 7.5 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की घटना को सुनामी लहरें कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है समुद्र में और सुनामी जनरेट होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर कह रहा है कि इस संबंध में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या सही नहीं है। पहला देख लेते हैं, परिप्रशांत महासागरीय तट सुनामी लहरों के लिए अति सुवेद्य है, ये बिल्कुल बात सही है। मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि जो परिप्रशांत महासागरी तटीय पेटी है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है, यहाँ पर भूकंप भी आते हैं, सुनामी भी आती है और साथ ही साथ ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। फिर दूसरा कह रहा है, इससे प्रायः सशक्त लहरें उत्पन्न होती हैं, तो सही है, क्योंकि समुद्र में भूकंप आएगा तो लहरें उत्पन्न होगी, तो ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है, सुनामी लहरों को उच्च ऊर्जा ज्वारीय तरंगे या भूकंपीय सागरीय तरंगे भी कहते हैं, तो सुनामी लहरें उच्च ज्वारीय तरंगे या भूकंप सागरीय तरंगे कहलाती हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगभग लगभग सही है, क्योंकि सुनामी में जो तरंगे आती हैं वो एक प्रकार की क्या है, भूकंपीय तरंगे हैं, और भूकंपीय तरंगे हैं तो इनको सामान्य तौर पर हम भूकंपीय लहरें भी कह देते हैं, भूकंपीय, इससे लहरें उत्पन्न हो जाती हैं या भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये भी लगभग लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्या कह रहा है, सुनामी एक लैटिन भाषा का शब्द है, देखो यही गलत हो गया बेटा, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है सुनामी? अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ मतलब इसका शब्द देखोगे तो इसको टी सुनामी लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, अब आप इसको टी सुनामी पढ़ते हैं लेकिन ये सुनामी है, इसको ऐसा लिखा जाता है, नामी ऐसा लिखा जाता है, तो इस तरीके से ये सुनामी है और ये जापानी भाषा का शब्द है ना कि लैटिन भाषा का शब्द, इसीलिए यहां पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, डी स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएगा, तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा, डी। फिर तीसरा देख लेते हैं, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तट पर अधिक बल के साथ जो पहुंच रही है, तो अभी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन देखा उसमें यही तो लिखा है, सुनामी की लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं और जो तट पर अधिक प्रबलता से पहुंच रही है भूकंपीय तरंग उनको क्या कहते हैं, जस्ट इसका अपोजिट पूछ लिया, यानी उसको सुनामी कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उसको सुनामी कहते हैं, तो राइट आंसर है इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? देखिए, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे एच एफ रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया। ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी पृष्ठ पर दबाव लगता है तो उस दबाव के कारण से तनाव बल जनरेट होते हैं और तनाव बल जनरेट होने के कारण तनाव की सीमा तक जब तनाव बल पहुंच जाता है तो प्लेटें जो होती हैं या पृष्ठ जो है टूट जाता है मध्य से, और जब ये पृष्ठ टूटता है या हमारी भूपरपट्टी या हमारी प्लेटें टूटती हैं तो उनके मध्य का तनाव बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण से भूखंड जो पहले एक दूसरे से दूर जा रहे थे वो दूर जाने के बाद तनाव कम होने से फिर से पास आते हैं, यानी भूखंडों में प्लेटों में इस तरीके की प्रक्रियाएं घटित होती हैं या उनमें क्या होता है, पहले वो खिंचते हैं फिर अपनी स्थिति पर पुनः वापस आ जाते हैं, यानी उनमें प्रत्यास्थ पुनश्चलन देखने को मिलता है, वाइब्रेशन देखने को मिलता है और उसी वाइब्रेशन से भूकंप आते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि ये एचएफ रीड द्वारा दिया गया प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत मुख्य तौर पर भूकंप की व्याख्या करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक 63% भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं?
विश्व में सर्वाधिक 63% भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो आपको पता होगा भूकंप की तीन पेटियां फेमस हैं। एक पेटी है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागर इसको तटीय पेटी कहते हैं, इसमें विश्व में लगभग 63% के आसपास भूकंप आते हैं। दूसरी पेटी है अगर हम देखें मध्य महाद्वीपीय पेटी और इसमें लगभग अगर आप देखें हम भूकंप तो इसमें लगभग 33 से लेकर 35% तक विश्व के भूकंप आते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तीसरा तो मध्य अटलांटिक पेटी है और इसमें अगर देखें ये वाला जो भाग है बेटा इसमें 21% आते हैं, ये इसको सुधार लेना, 21% आते हैं और इस पेटी में लगभग 10 से लेकर 15% तक भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तीन पेटियां मुख्य तौर पर हैं जो भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं। भूकंप यहां पर ज्यादा आते हैं, ये बेल्ट सक्रिय है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही निकल रहा है। ए आंसर सही निकल रहा है, परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी है जिसको हम प्रशांत महासागर के दोनों ओर अगर हम देखें तो तटवर्ती क्षेत्रों में इस क्षेत्र के रूप में हम इसको जानते हैं, जहां पर विनाशात्मक प्लेट किनारा है, जहां पर अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट में आपस में क्या हो रहा है, अभी सारी प्रक्रिया हो रही है और विनाशात्मक प्लेट किनारा बनता है, इसलिए यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी या अन्य टेक्टोनिक घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। अब हमें पता है कि हमारे भूपृष्ठ पर जब भूतापीय ऊर्जा जनरेट होती है तो उस भूतापीय ऊर्जा के कारण से भूकंपीय सेस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं और ये सेस्मिक वेव जो होती है वो भूकंप की फोकस से चलकर कहां पर बेटा, भूकंप के फोकस या मूल से चलकर कहां पहुंचती है, पृष्ठ पर पहुंचती है और इस पृष्ठ पर पहुंचकर यानी एपिसेंटर पर पहुंचती है और एपिसेंटर पर पहुंचकर यहां पर भूकंप लाती हैं। अब हमें पता है कि भूकंप की तीन लहरें होती हैं या तीन तरंगें होती है, एक पी होती है, दूसरी एस होती है और तीसरी एल होती है। पी प्राइमरी वेव है, तेज गति से चलती है, इंटेंसिटी कम होती है तो कम प्रभाव डालती है। एस जो होती है उसकी स्पीड कम होती है पी की तुलना में, इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए थोड़ा ज्यादा प्रभाव डालती है, वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट करती है। वही एल वेव को अगर हम देखें तो एल वेव कहलाती है सरफेस वेव। क्या कहलाती है? सरफेस वेव कहलाती है। इसको हम सतही या धरातलीय तरंग कहते हैं। ये क्षैतिज रूप से चलती है, पृष्ठ पर चलती है, हाई इंटेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, स्पीड बहुत स्लो होती है, इसलिए जब भी ये पहुंचती है तो महाविनाश कर देती है। ये लगभग 6 से लेकर 8 से 9 तीव्रता तक के भूकंप हमें देखने को यहां पर मिल जाते हैं। विशेष तौर पर 7 से 9 तीव्रता के भूकंप रिक्टर स्केल पर तब अंकित किए जाते हैं जब एल तरंग का आगमन हो जाता है, अर्थात विनाशकारी जो सबसे ज्यादा अगर हम कहें सेस्मिक वेव है तो वो कौन सी हो जाएगी, एल तरंग हो जाएगी। अब यहां पर प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग, द्वितीयक तरंग मतलब एस तरंग और दीर्घ पृष्ठीय तरंग, इसी को कहते हैं अपन एल वेव, यानी इसी का सही आंसर क्या हो जाएगा, एल तरंग। अब यहां पर दीर्घ पृष्ठीय है तो कुछ लोग यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये हिंदी में थोड़ा दिया गया है, इसको एल वेव कहते हैं, सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आपको शब्दों में उलझाया गया है और कुछ नहीं। अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, भूकंप मूल यानी फोकस कौन सा स्थान होता है। अभी अपन को इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी चर्चा की थी, अभी भी बोल रहा हूँ, फोकस मतलब जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, सेस्मिक वेव जनरेट होती है। तो यहां लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। फोकस की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं धरातल पर भूकंप की लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान, तो भूकंप की लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान धरातल पर यानी एपिसेंटर पर होना, तो उसको थोड़ी फोकस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, यानी ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बी कहता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये बिल्कुल बात सही लगती है, इसको अपन देख लेते हैं। सी कहता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं,
ये स्टेटमेंट यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा क्या कहा है, फोकस वो स्थान है कि जहां से भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो हमें तो पता है कि यहां पर भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो लहरें हैं वो कहां जाती हैं बेटा, पृथ्वी की भूपृष्ठ पर जाती है, यानी ऊपर की ओर जाती है। कहां जाती है? ऊपर की ओर, एपिसेंटर पर जाती है। कहां जाती है? एपिसेंटर पर, यानी ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नीचे की ओर स्थित स्थान पर जाती है, यानी इनके हिसाब से फोकस के नीचे होता है एपिसेंटर, जहां पर भूकंप की लहरें जाती हैं और फिर वहां से लौटती है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखें तो भूपृष्ठ के ऊपरी भाग में ही हमेशा एपिसेंटर होता है और फोकस उसके हमेशा गहराई में लगभग 700 किलोमीटर तक की अधिकतम गहराई में हो सकता है। फोकस से चलकर एपिसेंटर पर ऊपर की ओर तरंगें आएंगी और यहां पर वाइब्रेशन करेंगी, भूकंप लाएंगी और फिर इसके बाद ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार गमन करती हैं। तो बात क्या है, ठीक नीचे ना आकर कहां जाती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं, फिर इसके बाद लौटकर पृथ्वी के पृष्ठ पर जाएंगी, गहराई में जाएंगी, संपूर्ण भागों में, आंतरिक भागों में जाएंगी, अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने गुण के अनुसार। लेकिन नीचे नहीं होता कभी भी, फोकस के नीचे कभी एपिसेंटर नहीं होता, यानी ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। फोकस क्या है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन था, फोकस हम सभी जानते हैं लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्दों में हमें घुमा दिया जाता है, इसलिए शब्दों का एक अगर बात कर स्टडी अच्छे से करना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आंसर अच्छे से लगाना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर देखते हैं भूकंप, नौवा क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यानी अभी अपन ने देखा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, अब ये किसने दिया था, तो मैंने वही बताया था, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया हुआ है अमेरिका के वैज्ञानिक एच एफ रीड द्वारा दिया गया है 1906 के आसपास। तो यहाँ पर रीड लिखा हुआ है, ये वही रीड हैं, एच एफ रीड हैं, इन्हें इन्होंने ही भूकंप से संबंधित सिद्धांत दिया है, जिसको प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत कहते हैं। अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन कहता है बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है। बेसाल्ट सेलों के संगठन में, यानी जो बेसाल्ट सेल है इनके संगठन में निम्न में से किस एक तत्व की अधिकतम मात्रा होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। अब देखिए बेटा ये प्रश्न चट्टानों से संबंधित है और चट्टानों का क्वेश्चन इसमें आया है, तो यहां पर मैंने ये प्रश्न पहले भी आपको डिस्कस करवा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, सिलिकॉन है। क्यों? क्योंकि हमारी भूपरपट्टी सियाल और सीमा से मिलकर बनी हुई है, प्रभार और भूपरपट्टी। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सियाल दिख रहा है, सिलिका दिख रहा है। सिलिका मतलब हमारी भूपरपट्टी और प्रभार में सबसे ज्यादा मात्रा अगर किसी की है तो वो सिलिका की है। सिलिका मुख्य तौर पर बेसाल्टिक लावे में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। संगठन अलग बात है, वहां पर ऑक्सीजन सिलिका है, लेकिन यहां पर अगर देखें बेसाल्टिक लावा में तो सबसे ज्यादा सिलिका का परसेंटेज है, इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बेटा ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप आप सब लोगों को भूकंप से संबंधित ये 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो संभावित हैं आगामी परीक्षा में आने के लिए, इसलिए इन प्रश्नों को भी लगाएं। और भी एमसीक्यूज मिलते हैं तो ठीक है, वरना 20 एमसीक्यूज एक टॉपिक के लिए काफी होते हैं, आपको और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बने रहिए वेदांत एकेडमी के इस रिकॉर्डेड जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इससे बने रहिए, जुड़े रहिए, एमसीक्यूज की सीरीज के साथ जुड़े रहिए और निरंतर अपने प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बेटा, नमस्कार।